ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानिक चैनल। मैं दिनेश गुप्ता आप सभी के साथ एक बहुत ही स्मार्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क को पढ़ाने जा रहा हूं। देखते हैं आखिर इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये चीजें देखते हैं कि टाइम एंड वर्क में हमारा मेनली रूप से होता क्या है कि वर्क को कंप्लीट करना होता है। अगर आप किसी भी वर्क को कंप्लीट करेंगे तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है क्या, हमें इसमें लोग लगाने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके से किसी भी वर्क के लिए लोग काम करते हैं। और दूसरा, जब लोग काम करते हैं तो हमें उसमें क्या लगता है, टाइम देना पड़ता है। अब जैसे डिपेंड करता है, आगे जाके आप टाइम एंड वर्क में देखेंगे कि अगर हमें किसी वर्क को जल्दी कंप्लीट करना होता है तो हमें लोगों की संख्या ज्यादा रखनी पड़ती है, मतलब हमारा एफिशियंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या फिर अगर काम को बहुत ही स्लो मोशन में कराया जाए तो अगर लोगों को कम रखेंगे तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डेज हमारा ज्यादा लगेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम एंड वर्क में है वो एफिशिएंसी जो है वो टाइम का क्या होता है, इनवर्स होता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग ज्यादा रखेंगे तो टाइम कम लगेगा, या फिर अगर हम लोग कम रखें तो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा काम करने में। तो यहाँ से हम समझते हैं सबसे पहले क्या है कि टाइम एंड वर्क का सबसे छोटा कॉन्सेप्ट और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। जैसे अगर हम मान ले दो आदमी हैं हमारे पास, ए और बी। ए जो है वो किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है और बी जो है वो इसी काम को अगर अकेले करेगा तो ये वाई डेज में कर सकता है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आइए समझते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर जैसे मैंने मान लिया कि आप ये मान लो कि अगर ए किसी वर्क को दो दिनों में कंप्लीट करता तो आप कह सकते थे कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है वन डे में कितना काम करेगा। अगर दो दिनों में कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा, आधा ही तो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि काम का कितना पार्ट करेगा, 1/2 पार्ट। तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि अगर आप टाइम को इनवर्स कर दो, टाइम को इनवर्स कर दो तो ये बदल जाता है कि इसमें पार्ट में काम का भाग निकलता है कि हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ। या फिर अगर आप इसे इनवर्स कर दो कि हमारा जो काम का पार्ट है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, डेज में। मतलब अगर ए जो है वो 5 डेज में वर्क कंप्लीट करता तो 1 डे में कितना करता, 1/5 करता। या फिर अगर 1 डे में 1/5 करेगा तो टोटल काम कितने डेज में करेगा, 5 डेज में ये कंप्लीट करेगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि ए जो है वो अकेले एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा था और बी वाई डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जो है वो अकेले 1 डे में कितना करेगा, ए अकेले 1 डे में कितना काम करेगा, तो आ जाएगा 1/x पार्ट आ जाएगा। अगर हम बी की बात करें कि बी अकेले अगर एक दिन काम करे 1 डे तो ये कितना होगा, तो ये होगा 1/y पार्ट कंप्लीट करेगा। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि ए प्लस बी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलके 1 डे में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1/x जो है वो किसका है, ए का है, और 1/y जो है वो किसका है, बी का है। अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो नीचे आ जाएगा x इंटू वाई और ऊपर क्या आ जाएगा, y प्लस x। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया कि एक दिन में दोनों ने मिलके इतना पार्ट को कंप्लीट किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, अभी जस्ट मैंने देखा कि पार्ट को चेंज करेंगे तो डेज में और डेज को चेंज करेंगे तो पार्ट में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ए अकेले x डेज में कर रहा था, 1 डे में कितना किया, 1/x पार्ट। तो हम कह रहे हैं ए और बी 1 डे में अगर इतना पार्ट कर रहा है तो अगर एक दिन का जो काम है इसी को अगर हम इनवर्स कर दे तो ये टोटल टाइम में चेंज हो जाता है। तो अगर टोटल टाइम में चेंज हो जाता है तो इसे इनवर्स कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स करने से, इनवर्स करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये एक्स इंटू वाई क्या है और ये एक्स प्लस वाई क्या है। ये जो एक्स इंटू वाई है ये क्या एक्स और वाई जो है क्या इन दोनों का मल्टीपल है, नहीं। मैंने एक्स इंटू वाई ये कहाँ से लाया, यहाँ से नीचे लाया। जब आपको पता है कि हम फ्रैक्शन एडिशन बनाते हैं तो जो बेस में रहता है उसका क्या लिया जाता है, एल्फियम लिया जाता है। तो ये x इंटू वाई जो है वो एल्फियम है। एल्फियम किसका है, x और y का, मतलब नंबर ऑफ डेज।
तो हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई क्या है, तो हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है, एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कर्स भी कह सकते हैं कि काम करने वाले लोगों का जो दिन था उसी का मैंने एलसीएम निकाला। जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल वर्क को। तो पूरे टाइम एंड वर्क में हमें यही देखना है कि हमें एलसीएम किसका फाइंड करना होता है, तो एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज का फाइंड करना होता है जिससे कि वर्क कंप्लीट होता है। तो टोटल वर्क ये हो गया। अब अगर हम नीचे बात करें कि ये x इंटू वाई हमारा x प्लस वाई क्या है, तो ये जो x प्लस वाई है क्या ये डायरेक्ट x और y आया था, ये नहीं है। जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो मैंने x से इसमें डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे y आया, और यहाँ y से डिवाइड किए तो यहाँ x आया, मतलब ये डिवाइड करने के बाद y प्लस एक्स आया था। तो ये जो है वो एफिशियंसी है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एफिशियंसी ऑफ वर्कर्स, काम करने वाले लोगों की क्षमता है। ये हो गया हमारा टोटल काम और ये हो गया काम करने की क्षमता। इसका मतलब अगर हमें किसी भी वर्क को कंप्लीट करने का टाइम निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करते हैं जो कि हमें नंबर ऑफ एलसीएम से पता होता है, और दूसरा हम क्या करते हैं एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स निकालते हैं, और उसके बाद हम दोनों को डिवाइड करते कर देते हैं जिससे हमें क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों में ये वर्क कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसे समझाने वाला हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर ए जो है वो किसी वर्क को 30 डेज में अकेले कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो इसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो अगर दोनों मिलकर इस वर्क को कंप्लीट करें तो ये वर्क कितने दिनों में खत्म होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहले मैंने देखा कि अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब उसके बाद अगर हम बात करें एफिशिएंसी का कि दोनों का काम करने का क्षमता कितना है, तो आप देख रहे हैं ए जो है वो 30 डेज में 60 वर्क करेगा, इसका मतलब एक दिनों में ये कितना करेगा, तो दो करेगा। अगर हम बी की बात करते हैं, बी जो है वो 20 डेज में अगर 60 वर्क कंप्लीट कर रहा है तो वन डे में कितना आएगा, तो 3 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना करेंगे, तो 2 और 3 5 करेंगे। ए और बी दोनों मिलके कितना, 5 यूनिट अगर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो 5 यूनिट से ए और बी मिला के अगर ये 5 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल 60 वर्क कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो 60 by 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। इसका मतलब हमारा वर्क जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो गया, 12 डेज में कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क के सबसे स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ गिवेंस का जो जितने भी नंबर्स दिए हुए रहेंगे उसका हम एलसीएम निकालते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, टोटल वर्क आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, गिवेन नंबर से एलसीएम में डिवाइड करके एफिशिएंसी फाइंड करते हैं, जैसा कि इसमें मैंने निकाला 2 और 3। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड किया जाता है, जैसा कि मैं इसे दूसरे एग्जांपल से भी समझाऊंगा। चलो आज का दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा दूसरा एग्जांपल क्या होगा। जैसे अगर मैंने मान लिया कि ए किसी वर्क को 10 डेज में और बी जो है वो 20 डेज में और सी जो है वो 15 डेज में, ठीक है, सी जो है वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि तीनों मिल जाए ए बी और सी, तो इस वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क किसका होगा, नंबर ऑफ डेज का। तो तीनों का अगर हम एलसीएम फाइंड कर ले तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा ए का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, ए जो है वो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा, तो अगर 10 डेज में 60 वर्क कर रहा है तो वन डे में कितना होगा, 6 यूनिट आएगा। वी अगर 20 डेज में 60 वर्क कंप्लीट करता है तो वन डे में कितना आएगा, 3 आएगा। सी अगर 15 डेज में 60 वर्क कंप्लीट कर रहा है तो इसका कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी और सी सभी मिला के एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट किए, तो एक दिन में अगर हम सभी को ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा, लेकिन हमारा टोटल वर्क है कितना 60। इसका मतलब अगर हम डिवाइड कर ले तो हम देख रहे हैं कि 13 से 60 कैंसिल नहीं होगा, तो इसे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइम्स में 52, बचेगा कितना 8/13 डेज। इसका मतलब सभी मिलकर 8/13 डेज में वर्क को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन दूसरा, कि अगर ए किसी वर्क को 15 डेज में और ए और बी दोनों मिलकर इसी वर्क को 10 डेज में कर रहा है, तो बी अकेले इस वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क किससे मिलेगा, नंबर ऑफ डेज से। तो 10 और 15 का अगर हम एलसीएम फाइंड कर लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो अब हम दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि अगर ए 15 डेज में 30 वर्क कंप्लीट कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 2, ए और बी मिलकर कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 3। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर ए का 2 है और ए और बी का दोनों मिला के 3 है, तो हम कह सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3-2, 1। मतलब बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज लगेगा बी को, तो बी को 30 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। सो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ टाइम एंड वर्क में। आज के लिए इतना ही।